नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अल्गोक्रैप के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हाफ ट्रेंड इंडिकेटर के साथ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने की। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सुपर ट्रेंड के साथ अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कर सकते हो। वहीं आज मैं आपको दिखाऊंगा हाफ ट्रेंड इंडिकेटर। हाफ ट्रेंड वैसे तो सिमिलर सा है, मतलब अगर आप विजुअल की बात करें तो जैसे आपको सुपर ट्रेंड का दिखता है कुछ इस तरीके का ही आपको विजुअल उसमें हाफ ट्रेंड में भी दिखाई देता है, बट स्टडी डिफरेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो व्यूवर्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो भी हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोग वीडियोस में डालते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है। रिक्वेस्ट करूँगा मैं फिर से कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए आप कंटेंट में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम है हमारा algobridge.in, और उस वेबसाइट पर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिकेशन करके, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें कि आप अपने ब्रोकर को हमारे प्लेटफॉर्म से लिंक कर पाते हो, और उसके बाद कोई भी ट्रेड आप डालना चाहो, बाय सेल करना चाहो, तो यहाँ पे मार्केट वॉच के सेक्शन में सिंबल क्रिएट करके जैसे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे करते हो वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि आप इसको एल्गो के लिए भी यूज़ कर सकते हो, साथ साथ अपनी मैनुअल ट्रेडिंग भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स जितने भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनमें ये होता है कि या तो आप एल्गो ही कर सकते हो या तो आप मैनुअली कर सकते हो। अगर आप मैनुअल करते हो तो एक्सेस टोकन जो है, जो टोकन ब्रोकर की तरफ से मिलता है, वो एक्सपायर हो जाता है और फिर आप वेब पे खोल नहीं पाते। तो यहाँ हमने उसका सॉल्यूशन किया है कि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन, एक अकाउंट होना चाहिए algobridge का, जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जाके खोल सकते हो। यहाँ पर लॉग आउट करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर साइन अप का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे आपकी डिटेल आपको भरनी है, भरने के बाद आपको आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना अकाउंट। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हमारे दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। ठीक है, एक तो यूज़र अकाउंट है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, जो ये अभी मैंने अकाउंट खोला है ये मास्टर अकाउंट है। मास्टर अकाउंट के लिए हम वन टाइम पेमेंट लेते हैं 2000 रुपीज़ की, और मास्टर अकाउंट का पर्पज़ ये होता है कि अगर आपने मास्टर अकाउंट लिया है तो आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने ट्रेड्स को किसी और बंदे को अगर आपको भेजना है, किसी और पे आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वो आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो ट्रेड्स को। तो कॉपी ट्रेडिंग के लिए एज वेल एज ब्रिजिंग के लिए, दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रिजिंग के बारे में मैं बताता चलूँ, ब्रिजिंग का मतलब होता है कि किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेड को उठाना और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, उसके लिए जो मीडिएटर होता है वो प्लेटफॉर्म, उसको ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिजिंग के लिए भी ये काम करता है। आज के वीडियो में मैंने यूज़ किया MetaTrader 4। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये MetaTrader 4 का सॉफ्टवेयर है, और अब मैं इसमें डाउनलोड करूँगा हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर। उसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रीबीज में जाना होगा। जब हम मैं फ्रीबीज पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सुपर ट्रेंड ये रहा, उसके बाद अगला है हाफ ट्रेंड। तो हाफ ट्रेंड पे क्लिक किया, डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे। अब इसको हमें शो इन फोल्डर करना है, और शो इन फोल्डर करके इस तरीके से डाउनलोड्स में दिखेगा, इसको हमें कर लेना कॉपी। ठीक है, कॉपी या कट जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद MT4 पे जाना है। MT4 पे जाने के बाद आपको फाइल में जाना है और ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, और उसके बाद आपको MQL4 में जाना है और इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, आप एक नया फोल्डर बना के भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है algobridge का, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास MT4 नहीं है और आप चाहते हैं MT4 डाउनलोड करना है, इसको यूज़ करना, तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर से कॉल कर सकते हो हमें, और हम कॉल पे आपको ये इंस्टॉल करके दे देंगे। ठीक है, 9:30 to 5:30 हम लोग अवेलेबल होते हैं, आप हमें उस बिटवीन कॉल कर सकते हो। तो अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि algobridge का जो फोल्डर है जिसमें मैंने हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर डाला था, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर नहीं दिखे आपको तो राइट क्लिक करके एक बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के लिए हमें इसको डबल क्लिक करना होगा। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये सेटिंग जितनी भी हैं, ये ऊपर की जो सेटिंग है ये सब है सेटिंग आपके हाफ ट्रेंड के इंडिकेटर की। ठीक है, कैसे आपको इसको स्टार्ट करना है, सिंपल करना है, कौन से प्राइस पर क्या करना है, ये सब, ये सारी सेटिंग्स हैं इसकी, इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से।
उसके बाद आते हैं यहाँ से, यहाँ से अल्गो की सेटिंग शुरू होती है। तो सबसे पहली सेटिंग है यहाँ पे इंट्राडे आपका ऑन और ऑफ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसको ट्रू कर देंगे, उससे क्या होगा कि ट्रेड्स जो इंट्राडे जाएंगे इंट्राडे ही ख़त्म हो जाएंगे। नॉर्मली जो ये इंडिकेटर है ये एरो टू एरो काम करता है, यानी कि आप पोजिशनल भी ट्रेड जा सकती है। मान लो आज का बाय का ट्रेंड रहा पूरा दिन और कल भी फिर बाय का ट्रेंड रहा तो कंटिन्यू करता है ट्रेड को, लेकिन अगर आप इंट्राडे को ट्रू कर देंगे तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा, काट देगा शाम को पोजिशन आपकी। टाइमिंग लिखी हुई है यहाँ पे 8:45 टू 14:30। अब यहाँ पर 8:45 क्यों लिखा है, मार्केट तो खुलती है 9:15 बजे, वो इसलिए लिखा है दोस्तों कि 8:45 पे MT4 के सर्वर के अकॉर्डिंग मार्केट ओपन होती है, यानी कि जो इनका जो सर्वर का टाइम है वो आधा घंटा फास्ट चलता है। जब हमारे घड़ी में 9:15 बजते हैं तो इनकी घड़ी में 8:45 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 8:45 लिखा है। उसके बाद 14:30 का मतलब 3 बजे का टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो ट्रेड मेथड लिखा है मेट्रो। मेट्रो का मतलब है कि दोनों साइड की ट्रेड लेनी है, जब बाय आए तो बाय करो, जब सेल आए तो सेल करो। इसमें एक डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ओनली बाय और ओनली सेल। अगर आप ओनली बाय सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ बाय बाय के सिग्नल जब भी आएंगे तो उनको लेगा, और जब सेल का सिग्नल आएगा तो स्क्वायर ऑफ कर देगा बाय की पोजीशन, लेकिन सेल नहीं लेगा। ऐसे ही ओनली सेल अगर आप करोगे तो ये जब सिर्फ सेल की पोजीशंस को लेगा और बाय की पोजीशन को नहीं लेगा। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि भाई आज मार्केट अप ही जाएगी तो हम ओनली बाय सेलेक्ट कर सकते हैं, कभी लगता है मार्केट आज डाउन ही जाएगी तो हम ओनली सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रू करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस को आप नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके अलावा ट्रेलिंग स्टेप्स में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ब्रेक इवन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे ब्रेक इवन में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका एक 100 रुपये पे बाय आया था और उस कैंडल का हाई था 100 रुपये 5 पैसे, तो जैसे ही 100 रुपये 5 पैसे से ऊपर नया कोई हाई बनेगा तो वो हाई माइनस स्टॉप लॉस वैल्यू को स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेगा और उस हिसाब से ट्रेल करता जाएगा। जितना जितना प्राइस ऊपर जाता रहेगा उतना उतना आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता रहेगा और उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी आप ले सकते हैं। उसके बाद ट्रेलिंग स्टेप्स में ये होता है कि आपने डिसाइड कर दिया कि 10 स्टेप जाने के बाद मेरा 5 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए स्टॉप लॉस, तो जैसे ही 100 से 110 जाएगा उसके बाद आपका नीचे से 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा स्टॉप लॉस। ऐसे ही 110 से 120 जाएगा तो फिर वहाँ से नीचे से एक बार फिर 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये है ट्रेलिंग का। अभी फिलहाल नॉर्मल रखते हैं और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को ट्रू नहीं किया है, मैंने फॉल्स ही रखा है। आप चाहें तो ट्रू करके उस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स डाल सकते हैं, स्टेप्स में आपको स्टेप्स डालने हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आप ट्रेलिंग के स्टेप्स डालेंगे वो हमेशा आपके नॉर्मल स्टॉप लॉस से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप 50 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो ट्रेलिंग आपका 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। टारगेट ऑन, अगर आपको टारगेट लगाना है तो टारगेट ऑन को ट्रू करेंगे और उसके बाद टारगेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टारगेट का पॉइंट्स आ गया। उसके बाद है आपका अलर्ट कि ट्रेड आने पर अलर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप स्क्रीन पर बैठे हैं और चार्ट देख रहे हैं ऑनलाइन और आपको चाहिए कि भाई अलर्ट आ जाए जैसे ही कोई सिग्नल आए तो अलर्ट को ट्रू करके रखेंगे, फॉल्स करोगे तो अलर्ट में साउंड नहीं आएगा। री एंट्री ऑन ऑफ का मतलब है कि एक बार एक एंट्री ले ली दोबारा से वही कंडीशन बनी तो एंटर करना है कि नहीं करना है। अगर आप री एंट्री को ट्रू करेंगे तो आपका दोबारा से एंट्री हो जाएगा उस लेवल पे। उसके बाद आता है यहाँ पर है दोस्तों ये ट्रेडिंग के, जैसे अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा, अगर आप इसको फॉल्स रखेंगे तो ये बस चार्ट में आपको इंडिकेटर की तरह दिखाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं देखो फॉल्स करके आपको ओके करके दिखाता हूँ। ये मैंने फॉल्स किया, आप देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ एरोज आ रहे हैं, ये देख लो बाय का एरो, ये सेल का एरो, यहाँ पर सेल का एरो आया। जैसे आज कल के दिन में मार्केट ने सेल दिया था और वो अभी कंटिन्यू है, मार्केट नीचे जा रहा है, उससे पिछले दिन कुछ नहीं आया, उससे पिछले दिन बाय आया था। और प्रॉफिट वगैरह की जानकारी यहाँ पर दिख रही है कि अभी कौन सा सिग्नल चल रहा है, एंट्री प्राइस कितना है, स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है, स्टेटस क्या है। जैसे स्टेटस दिखा रहा है ओपन है, यानी कि सेल का ट्रेड एक चल रहा है, रिमेनिंग क्वांटिटी 1 है, एक क्वांटिटी सेल चल रही है, टोटल ट्रेड 265 हुए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस 4148 पॉइंट्स का है। तो इस तरीके से आप जो भी टाइम फ्रेम आप चेंज करोगे उसके हिसाब से आपको बैक टेस्ट का रिपोर्ट भी बता देगा कि भाई कौन सा क्या प्रॉफिट रह रहा है, क्या कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉर्मली लोगों को किसी इंडिकेटर में या चार्ट में आपको ये आराम से देखने को नहीं मिलता है बैक टेस्ट का रिपोर्ट, ये बहुत टफ होता है बैक टेस्ट दिखाना। तो ये भी हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी लिंकिंग कैसे होगी अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जाना है एल्गो के प्लेटफॉर्म पर वापस एल्गो ब्रिज पर, और यहाँ पर आपको सेटिंग का एक टैब मिलता है। सेटिंग के टैब में अगर आपको ट्रेडिंग करना है फ्यूचर में तो आप यहाँ पे ये जो कैश और फ्यूचर है ब्रिज का इसको ऑन कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन ब्रिज को ऑन करना होगा,
ठीक है, ऑप्शन की ट्रेड मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रेडिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मल मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी को ऐड किया हुआ है, क्रूड ऑयल को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें सिग्नल प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो जैसे मैंने ये सेटिंग लगाया है 15 मिनट का, अब इसमें ना चांसेस नहीं है बहुत जल्दी सिग्नल आएगा आपका, ठीक है, बहुत धीरे धीरे सिग्नल आएगा। अब मालूम नहीं है कि इस वीडियो में इसको दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखा पाऊँगा, मैं ट्राई करता हूँ इसको बहुत फास्ट करने की ताकि जल्दी से सिग्नल बने और मैं आपको दिखा पाऊँ कि सिग्नल आने पे किस तरीके से ट्रेड करेगा। मैंने इसको 1 मिनट कर दिया और इसकी जो सेटिंग है हाफ ट्रेंड की उसको भी थोड़ा सा कम करते हैं, उसको 1 करते हैं, ठीक है। 1 पे आप देख पाओगे कि जल्दी जल्दी सिग्नल कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया इंडिकेटर अप्लाई। अभी हमने लिंकिंग नहीं की, लिंकिंग के लिए हमें ऑथेंटिकेशन पे जाना है, यहाँ से यूज़र की को कॉपी कर लेना है, बस एक यूज़र की चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर लिस्ट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इसको एपीआई ट्रेडिंग को ट्रू करना है और यहाँ पे यूज़र की को पेस्ट करना है। यूज़र की पेस्ट करने के बाद क्वांटिटी, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंडिकेटर की क्वांटिटी ऑन या ऑफ करनी है। अगर आप इंडिकेटर से क्वांटिटी लेना चाहते हो तो यहाँ पे इसको ट्रू कर सकते हो। अभी हमने वहाँ पे क्वांटिटी ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद MIS कर दिया मैंने, इसको मार्केट ऑर्डर कर दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया ओके, अब हम वेट करेंगे नए सिग्नल आने का। नए सिग्नल आने पर ये हमारे अकाउंट में ट्रेड कर देगा। और इसमें मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि मैंने ब्रोकर जो यूज़ किया है वो धन यूज़ किया है, ठीक है। इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मान लो एलआईएस ब्लू का करना है तो मैं एलआईएस ब्लू का टोकन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने नया टोकन ले लिया एलआईएस ब्लू का, अभी मेरे को टोकन मिल गया, वैलिडेट करके मैं चेक कर लूँगा टोकन वैलिड या नहीं है। अब जब कोई ट्रेड आएगा तो वो एलआईएस ब्लू के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ट्रेड आएगा तो आपको दिखेगा, लेकिन जब तक ट्रेड दिखता है तब तक मैं आपको और अदर फीचर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि बीच में अगर ट्रेड आएगा तो हम चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट वॉच है, मार्केट वॉच में आप कोई भी सिंबल क्रिएट करके मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। मैनुअल ट्रेडिंग का बटन प्रेस करोगे तो आपके अकाउंट में ट्रेड चला जाएगा। उसको एग्जाम्पल से दिखाने के लिए यहाँ पर मैं बाय का बटन प्रेस किया, जैसे मैं बाय का बटन प्रेस करूँगा, एक क्वान्टिटी में 1 लिखा, MIS लिखा, प्लेस किया ऑर्डर, ठीक है, प्लेस हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं जाके अपनी ऑर्डर बुक देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि एक ट्रेड मेरा ONGC का बाय का गया है, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि फंड नहीं है इसमें, सॉरी दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए मैंने इसको 2 भागों में स्प्लिट कर दिया है। यहाँ से आगे मैं आपको पार्ट 2 का दूसरा वीडियो दूंगा, उसमें आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।